हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पैसे तो आएगा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिससे आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये के कैपिटल से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है 10,000 के कैपिटल को कैसे 1 महीने में 30,000 से 50,000 रुपये करना है। ये सीरीज पूरी प्रॉपर फॉलो करना और अपनी जो भी स्ट्रैटेजी आपको शूट करती है तो उस पर अपनी मास्टरी कर अपना मतलब सेटअप बनाना और अपना 1 महीने में अपना 30 से 50 हज़ार रुपये अर्न करना है। ठीक है, जो मैं आपको वीडियो समझा रहा हूँ आज, ये वीडियो मैंने खुद बनाई हुई है और पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी ये वीडियो। और वीडियो को ध्यान से समझना, रूल मैं आपको सारे समझाऊंगा। सिर्फ 10,000 रुपये कैपिटल से आप अपना काम करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। इस चैनल पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और मैंने बहुत पहले भी स्ट्रैटेजी डाली हुई है यहाँ पर। इन वीडियो को जरूर चेक करना। और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा भी कम है ना, 1,000 2,000 5,000 भी पड़ा है, इस एक्सपायरी डेट स्ट्रैटेजी को जरूर चेक करना है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मुझे भी मतलब मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए मैं आने वाली वीडियो अच्छी से अच्छी ला सकूँ, जिससे आप भी ग्रो हो और मैं भी साथ साथ ग्रो हो जाऊँ। ठीक है, तो दो इंडिकेटर यहाँ पर मैंने लगाने हैं। मैंने बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ, इसे आप सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही आपको इसमें काम करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको इसमें काम करना है। ठीक है, और कौन सा इंडिकेटर लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर में आप जाएंगे तो बोलिंजर बैंड सर्च करेंगे, बोलिंजर बैंड। ठीक है, पहला जो बोलिंजर बैंड है ये वाला, इसको सर्च करेंगे, इसको वन क्लिक करेंगे, ये आपका पहला इंडिकेटर रेडी हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, सारे मैं रूल आपको बताऊंगा, वीडियो को बिना स्किप करे कि आपको पूरा देखना है। और दूसरा जो इंडिकेटर है वो आपको इंडिकेटर लगाना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। वन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आपको सेटिंग में चेंज करना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको RSI की लाइन है जो उसको ब्लैक करना है, या फिर आप जो भी आपको ठीक लगता है वो आप करना है। इसको थोड़ा सा थिकनेस कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये RSI बेस्ड MA है, इसको अनटिक करेंगे, इसको अनटिक करेंगे। और यहाँ पर आपने 70 से 50 और 30 मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ पर आपको लाइन पे क्लिक करना है, तीनों की लाइन पे क्लिक करना है इस पर। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको कर रहा हूँ इसे सेम फॉलो करते जाना है। आपको थोड़ा सा थिकनेस करनी है इसकी, इन सारी लाइनों की। ठीक है, ये थोड़ा थिक कर दिया मैंने और हमारा ये भी इंडिकेटर पूरा रेडी हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं कैसे कैसे फॉलो किया है। और सिर्फ इसमें MA बेस्ट वाली लाइन है, इसको अनटिक करना है, ओके करना है। सबसे पहले मैं आपको इसमें रूल समझा देता हूँ। इसके जो रूल्स रहेंगे, इसमें आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें हमें 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 3 लाइन शो कर रही है बोलिंजर बैंड की। बोलिंजर बैंड की हमें 3 लाइन शो कर रही है। एक तो अपर बैंड शो कर रहा है, बीच में एक येलो वाली लाइन है, ये लोअर बैंड शो मिडल बैंड है, और सबसे नीचे जो बैंड शो कर रहा है वो है लोअर बैंड। ये अपर बैंड हो गया, ये मिडल बैंड हो गया, ये हमारा लोअर बैंड हो गया। ठीक है, अपर बैंड, मिडल बैंड और ये हमारा लोअर बैंड। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी तो वीडियो को ध्यान से समझना, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और हमारी जो RSI की लाइन है, हमारी जो RSI की लाइन है, ये हमारी जो लाइन है, ये पहली जो लाइन है हमारी यहाँ शो कर रही है, ऊपर वाली लाइन है, ये 70 की लाइन है। हमारी ऊपर वाली लाइन जो 70 की लाइन है, नीचे की जो लाइन आपको शो कर रही है वो आपको 30 की लाइन शो कर रही है। ठीक है, यहाँ आपको 30 की लाइन शो कर रही है, ये नीचे लाइन शो कर रही है 30 की लाइन है, और एक बीच में आपको शो कर रही है 50 की लाइन है। मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी बता देता हूँ, बीच की लाइन है ये 50 है, ये ऊपर वाली लाइन आपकी 70 की शो कर रही है, और जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये है 30 की लाइन। यहाँ पर भी आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पर साइड में। ठीक है, यहाँ पर आपको साइड में शो कर रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, जिसको नहीं समझ आया वीडियो को 2 बार देख लेना, सारा समझ आ जाएगा, सारे डाउट आपके वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बाय कैसे करना है और सेल कहाँ करना है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये मैं आपको सारा बताऊंगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करनी है, और जिसको स्ट्राइक प्राइस बाय करने में चूज करने में डिफिकल्टी होती है, आप मेरे को
डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बाय कैसे करना है और यहाँ पर सेल कैसे करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है हमारी जो RSI की ये ब्लैक वाली लाइन है, बीच वाली जो लाइन शो कर रही है, ये हमारी 70 से अबव होगी तब हम सेल करेंगे। अगर हमारी जो RSI की लाइन है ये ब्लैक वाली इस 30 की लाइन से नीचे होगी, बिलो होगी, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्या करेंगे, बाय करेंगे। और ये अबव होगी 70 से तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, 30 से नीचे होगी तो हम करेंगे बाय, और 70 से ऊपर होगी तो हम करेंगे सेल। इतना समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपकी कैंडल्स, आपकी जो कैंडल्स हैं ये अपर बैंड से, ये अपर बैंड है ना, आपको बताया था मैंने, अपर बैंड से बाहर होनी चाहिए। अपर बैंड से बाहर होनी चाहिए। दो कंडीशन है आपकी यहाँ पर। RSI की जो लाइन है, ये RSI की जो लाइन है ये 70 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, अबव होनी चाहिए, और अपर बैंड की, बोलिंजर बैंड की अपर बैंड से बाहर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, दो कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे जब ये डाउन आने को होगी, जब हमारी ये कैंडल्स डाउन आने को होगी तो इसके अंदर हमारी एक कैंडल आ जाए, हमारी ये कैंडल आ जाए, और हमारी जो कैंडल आएगी वो रेड होगी। सिंपल है, हमारी डायरेक्ट रेड कैंडल होगी, जब डाउन आएगी तो रेड होगी। हमारे इस लोअर, इस कैंडल के लो पर हम बाय करेंगे, मतलब पुट लेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो पुट लेंगे। और कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, इतना स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि अगर इसकी विक ज़्यादा लंबी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके क्लोज पर स्टॉप लॉस लगाना है। और कहाँ पर आपको एग्जिट कर देना है, पहला जो स्टॉप वो होगा आपका टारगेट होगा, जो RSI की लाइन जो होगी ये 50 वाली जो लाइन है इसके नीचे आ जाए तो आपको एग्जिट कर देना है। इसके नीचे आने के बाद आपको एग्जिट कर देना है, यहाँ पर आपको एग्जिट कर देना है। और अगर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपको ज़्यादा राइड करना है, प्रॉफिट ज़्यादा राइड करना है, तो आपको क्या करना होगा, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ था तो आपको धीरे धीरे आपको ट्रेल करते चलना है। ठीक है, ट्रेल करते चलना है, जब तक मार्केट आपको जितना प्रॉफिट देती है आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो आपको ट्रेल करते चलना है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको, ये वाला इतना आपको समझ आ गया होगा हमें सेल करना कैसे है। ठीक है, पुट कैसे लेनी है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, ये दो कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। अब हम ये देखते हैं इसमें बाय करना कैसे है, हम इसमें कॉल कैसे कर लेंगे, बैंक निफ्टी में हम कॉल कैसे बाय करेंगे। सेम यही कंडीशन होगी हमारी, हमारी 30 के नीचे हमारी RSI की जो लाइन है ये शो करेगी आपको, इसके बिलो होनी चाहिए, 30 के बिलो होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, हमारी जो कैंडल्स हैं बोलिंजर बैंड के नीचे होगी। क्या होगी, बोलिंजर बैंड के नीचे होगी, क्लोज होगी। उसके बाद हम देखेंगे हमारी एक कैंडल ग्रीन क्लोज कर दे इस लोअर बैंड पर, क्या कर दे, लोअर बैंड पर क्लोज कर दे। पहले क्या था हमारी, जब हम सेल कर रहे थे, पुट ले रहे थे, ये अपर बैंड पे डाउन होने के बाद अंदर जा रही थी। अब हम यहाँ पर क्या कंडीशन देख रहे हैं, हमारी कैंडल्स 30 के बोलिंजर बैंड के ऊपर जा रही है। ठीक है, ऊपर जा रही है इस लाइन को, एक कैंडल हमारी यहाँ पर ग्रीन बन रही है, इस पे हम बाय करेंगे, एक कॉल लेंगे, स्टॉप लॉस हम यहाँ पर इसका लगाएंगे, इसके क्लोज पर लगाएंगे। और कहाँ तक आपको बाय करना है, आपको हाँ स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। पहला कंडीशन हमारी यहाँ पर टारगेट होगा इस RSI की लाइन 50 के अबव निकल जाए तब हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और बड़े टारगेट के लिए थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा यहाँ पर ये चीज़ समझा देता हूँ। जब हमारी ये RSI वाली लाइन 30 के नीचे होगी और हमारी बोलिंजर बैंड के नीचे कैंडल्स क्लोज कर देगी, हम इसके ऊपर जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल को देखेंगे, उसके प्रीवियस या उसके प्रीवियस कैंडल का हम लगाएंगे स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट हमारा 50 की ये जो लाइन है यहाँ का होगा, और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, ट्रेल करते जाना है। अब हम यहाँ पर बैक टेस्टिंग देख लेते हैं एक बार कि बैक टेस्टिंग कैसे होगी और कहाँ आपको बाय नहीं करना, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है,
ये देखिए हमारी पहली, हमने हमने क्या करा, हमारी RSI की जो लाइन है 70 से अबव है, और हमारी कैंडल्स भी बोलिंजर बैंड के अबव है, तो हमने क्या करा, इस कैंडल पे हमने लगाया स्टॉप लॉस, बाय किया और प्रॉफिट बुक किया। कितना प्रॉफिट बुक करना है, इस 50 के बाद आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, ठीक है। आपको बाय कहाँ नहीं करना ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हमारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के बाहर आ जाती है, जैसे ये वाली बाहर आ गई है, ठीक है, ये वाली कैंडल्स बाहर आ गई, लेकिन हमारी RSI की लाइन अभी इस 30 के नीचे नहीं आई है, तो हम इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक और हमारी हमें एक शो कर रही है, एक फॉल्स सिग्नल शो कर रहा है। अगर प्रॉफिट होता कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट होने दो, ठीक है, हम बिल्कुल कंफर्मेशन पे ही काम करेंगे। हमारी बोलिंजर बैंड के बाहर मार्केट आ चुकी है, कैंडल्स आ चुके हैं, लेकिन हमारी 70 के बाहर मार्केट नहीं आई, तो हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है, हम बाय नहीं करेंगे। और देख लेते हैं, हम कुछ बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मार्केट बाहर आ चुकी है, यहाँ भी मार्केट बाहर आ गया है, इस ग्रीन कैंडल पर बाय किया और प्रॉफिट कितना बुक कर लिया हमने, ठीक है, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी मार्केट बाहर आई है, बोलिंजर बैंड भी बाहर आया, मतलब बोलिंजर बैंड के मार्केट कैंडल्स बाहर आई हैं और प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। कितना प्रॉफिट राइड किया हमने, एक बार हम चेक कर लेते हैं। कितना प्रॉफिट बुक किया हमने, 125 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, 1 मिनट में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने बुक किया है। हम इसमें कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टाइम फ्रेम आपको जो यूज़ करना है, वो आपको यूज़ करना है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आपको ये टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। इसके अलावा आपको कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना, ठीक है, इसके अलावा कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना। और देख लेते हैं हम हमारी क्या कंडीशन मिल रही है हमें, ये देख लीजिए हमारी, हमें यहाँ पर कॉल बाय करनी है, हमारी RSI की लाइन भी बाहर है, हमने प्रॉफिट इस ग्रीन कैंडल पे बाय किया और प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। और देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए हमारी यहाँ पर भी मार्केट बाहर आई, RSI की लाइन भी बाहर है, और हमने यहाँ पर ग्रीन कैंडल पे बाय किया और प्रॉफिट बुक कर लिया। और देख लेते हैं जरा पीछे जाकर मार्केट के, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर बाहर गई है, इस मार्केट बाहर गई है, और यहाँ पर क्या हुआ, RSI की लाइन भी बाहर गई है, इस रेड कैंडल पे बाय किया और प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। जैसे यहाँ पर मार्केट बाहर गई है लेकिन RSI की लाइन बाहर नहीं गई, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर ट्रेड हम नहीं करेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ मैंने बाय करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है, मैंने आपको सारा बता दिया है। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी मार्केट बाहर गई, इस ग्रीन कैंडल पर बाय किया और यहाँ प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। कितना अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है आपको, इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको सेटअप नहीं मिलेगा। और कुछ स्ट्रैटेजी मैंने डाली हुई है पहले से, इसको जरूर वॉच करना, प्लेलिस्ट में जाकर ये पूरी प्लेलिस्ट लिस्ट देख लेना, 21 वीडियो हैं, 25 वीडियोज़ हैं, तो आप इसको जरूर चेक कर लेना, ठीक है। मिलते हैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।